छत्तीसगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि गरीबों को ये जो मैं सेवा करता हूं ना, अगले 5 साल तक ये मुफ्त चना चावल मिलता रहेगा। ये कांग्रेस वाले गए हैं इलेक्शन कमीशन की अदालत में मोदी को सजा दिलवाने के लिए कि मोदी ने अगले 5 साल के लिए काम कैसे घोषित कर दिया। आपको जिस अदालत में जाना हो जाओ, मैं तो ये पुण्य का कार्य समझता हूं, पवित्र कार्य समझता हूं, सेवा का काम समझता हूं, और इसलिए मैं इस काम को करके रहना चाहता हूं। इतना बड़ा पवित्र काम किया, कोरोना के इतने कठिन समय में गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया। मैं आपको एक बात से और सतर्क भी करना चाहता हूं। यहां लोग बताते हैं कि कांग्रेस सरकार ने राशन कार्ड बनाने में, बीपीएल सूची बनाने में बहुत बड़ा घपला शुरू किया है। ये फर्जीवाड़ा भाजपा सरकार बनते ही बंद किया जाएगा। जो हकदार है उसको हक मिलेगा, और यही तो मोदी की गारंटी है। साथियों, कांग्रेस ने गरीब को झुग्गी झोपड़ी फुटपाथ पर जीने के लिए मजबूर कर दिया। आप फर्क देखिए, एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी, जिन्होंने घोषित किया था, खुद कहते थे कि उनके राज में 100 रुपया दिल्ली से निकलता है तो जनता के पास सिर्फ 15 रुपया पहुंचता है, खुद ने कहा था। और ऊपर से नीचे उन्हीं की सरकार थी, और कोई नहीं था बीच में। 100 रुपया निकलता है, 15 पहुंचता था। आज मोदी की सरकार है, 100 रुपये में दवाई खरीदती है, और आपको उस दवाई के मात्र 20 रुपये देने पड़ते हैं, बाकी 80 रुपये की व्यवस्था मोदी सरकार करती है, और वो 80 रुपये आपकी जेब में बच जाते हैं। जब ये लोग आपके हिस्से के 25 रुपये मार लिया करते हैं, और आज मोदी है जो 80 रुपये अपनी सरकार की ओर से मिलाता है, तो आपको सस्ती दवा मिल सके। लेकिन साथियों, गरीब के लिए जरूरी ऐसी योजना के साथ कांग्रेस क्या कर रही है, ये भी आपको जानना चाहिए। यहां की गरीब विरोधी सरकार, कांग्रेस की सरकार, इतने दर्जनों ये डिस्काउंट वाली जो जन औषधि केंद्र दुकानें लगाई थी मैंने, उसको ताने लगा दिए, क्योंकि उनको लगा कि इसमें तो कटकी मिलती नहीं है, क्यों चलाने दूं।